रक्षाबंधन की कहानी सुनी है? विष्णु कुमारी को क्या था सासू मुनियों के प्रति? अनुराग, अनुराग था। जैन धर्म के प्रति समर्पण था कि जैन धर्म की अनुयायी पर संकट आया है तो जैन धर्म की अनुयायियों के प्रति अनुराग था तो सब कुछ काम पर लगा। परंतु जैसे गुटखा खाने वाला होता है वो सब सामान छोड़ देगा पर मालूम नहीं कि कहां से वो गुटखा अपने साथ चुपचाप दबा के ले आता है ना। आप लोग तैयारी करके कभी गुटखा आटे में जमाते क्या? नहीं जमाते ना। फिर भी ना मालूम खाने वाले के पास जब भी देखो कहीं ना कहीं गुटखा की गुड़िया नजर। आचार्य गौतम गणधर ने पाक्षिक प्रतिक्रमण में कहा है पेम्मानुराय रत्तो धम्मानुराय रत्तो। धर्म में प्रेम है, धर्म में रुचि रखने वाले प्रेम। कैसा प्रेम? मज्जानुराय रत्तो। जैसे अस्थि का और मज्जा, शरीर अस्थि का मज्जा होता नहीं, सप्त धातुओं में अस्थि तो कौआ की कामना भी मार कर देती है। मज्जा उड़ाए रखो तो खत्म हो गया। अहंकार से ही जीवन को नाश कर रहा है तो अच्छा होगा कि दासों का आराधना पूजन करता है, स्तुति करता है, आरती करता है, उनके रूप को निहारता है, उनका स्मरण आचार्य शांति सागर जी महाराज जब शिखर जी गए तो चलते चलते जाप करते थे। दो जाप थे, ओम सिद्धाय नमः, एक था ओम ह्रीम अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरेभ्यो नमः। चलते फिरते भी एक था क्योंकि जपता है उसे याद तो
मैं बोलूंगा। दसवां की स्थिति चल रही है, पर आगे क्या जाती है? शुद्धों की स्थिति, आराधना कि भगवान जैसे आप हैं वैसे है। 24वें 25वें काव्य में, 26वें काव्य में क्या कहा? दसवां की स्थिति दिखा रहे महिमा, कितनी महिमा देख रहा अपने भगवान। आपको दिखती है? आपको मंदिर में घुसते थे क्या देखते? अरे यहाँ तो गंदगी हो रही है, यहाँ तो चटाई नहीं है, यहाँ तो गंदोदर नहीं है, यहाँ तो चाम डालने की टेबल नहीं है। भक्ति का आनंद आप लेते ही नहीं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद भक्ति का आनंद लो। लोग कैसे पाते नहीं है मंदिर में? एक घंटा लेते और पता चले एक घंटा में 20 न्यूज लेके आ गए। ये भक्ति की कहां आपने 20 न्यूज लेके आ गए एक घंटे में? इसका अर्थ क्या हुआ? आपने भगवान की भक्ति नहीं की। लोग गलती करके पाप बांध रहे हैं, आप गलती का अवलोकन करके पाप बांध रहे हैं। और हो सकता कि वह पश्चाताप करके पापों की निर्जरा कर ले, परंतु आप स्मरण कर करके पाप बांधते हैं। 50 वर्ष पहले कुछ घटना हो गई तो भी आज ऐसे सुनाते जैसे आज का ही अभी हो, तो अच्छा होगा कि आप तो दासोहन की स्थिति में रह गए। फिर उसके बाद आए आराधना में लगता है। और जब भक्ति में परिपक्व हो जाता है तब कहता कि हे भगवान जैसे आप शुद्ध हैं वैसे शुद्ध मैं भी होना चाहता। कैसे? इंद्रादि पद भी नहीं चाहूं, पर